हेलो, आवाज आ रहा है सभी को? हाँ ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर मतलब कल हमने वेरिएशन ऑफ वेफर डेंसिटी की बात की थी विद एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन करा दिया था। नाउ आज अभी एसोसिएशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसा डिसोसिएशन था वैसा एसोसिएशन वाला केस होगा। तो थोड़ा वेट कर रहे थे, देन स्टार्ट कर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि एसोसिएशन वाला जो है वो भी ऑलमोस्ट डिसोसिएशन जैसा ही है। तो एसोसिएशन में क्या है, उल्टा है, मतलब
इसमें ये है, ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो ट्वाइस NO2 gives N2O4, तो यहां पर एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलके कोई एक सब्सटेंस बना रहे, ठीक है, तो दिस इज एसोसिएशन। तो इनिशियल मोल्स हम कुछ भी माने, सेम एक्सप्रेशन आएगा जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, इनिशियल मोल वन ही मान लेते हैं इसका जीरो, देन अगर इसे इनिशियल मोल वन माने तो कितना रिएक्ट कराएंगे, अल्फा, तो एट इक्विलिब्रियम इसके कितने बचे, वन माइनस अल्फा। अच्छा, अगर इसका अल्फा मोल रिएक्ट करेगा तो ए एन का कितना बनेगा होता, अगर ए का अल्फा मोल रिएक्ट किया तो ए एन का कितना बनेगा, अल्फा बाय एन बनेगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड से देख सकते हैं, हम देख सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन एन है और इसका वन है ना, तो एन से बनता है वन, तो वन से बनेगा वन बाय एन, तो अल्फा से कितना बनेगा, वन बाय एन इंटू अल्फा, ओके, तो अल्फा बाय एन बन गया। नाउ एन टोटल क्या आ गया, एन टोटल इज वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ठीक है, ये टोटल मोल्स आ गए, और टोटल मोल्स आ गए तो आगे वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, मास क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो इनिशियल मोल्स वन इंटू मोलार मास कैपिटल एम इज इक्वल टू फाइनल मोल्स इंटू मोलार, बाद मोलार मास क्या स्मॉल है, तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय, ठीक है, सो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम में रिलेशन आ, इसी टाइप से रिलेशन जो स्मॉल डी और कैपिटल डी में भी आ जाएगा, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय, ओके, सो ये स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, वो ही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, यह सेम प्रोसीजर है, प्रोसीजर सेम है, बस वो स्टोइकोमेट्री थोड़ा डिफरेंट हो गया है, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन एन है, इधर वन है ना, तो उसकी वजह से जब इसका अल्फा रिएक्ट करेगा इसका अल्फा बाय एन बनेगा, बाकी सेम ही, फर्स्ट पेज है सुजल, ठीक है, नाउ एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे NO2 gives twice N, yes, twice NO2 gives N2O4 वाला इसका क्या होगा एक्सप्रेशन, तो twice NO2 gives N2O4, इनिशियल मोल्स वन है जीरो, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इसके अगर अल्फा मोल रिएक्ट किए तो कितना बचा, वन माइनस अल्फा, अगर इसका अल्फा मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना बनेगा बताओ,
टू से बनता है वन, टू से वन बनता है ना, तो अल्फा से कितना बनेगा, टू से वन बनता है तो अल्फा से अल्फा बाय टू, ठीक है। सो एन टोटल क्या आएगा, एन टोटल आ गया हमारे पास वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय टू, दैट इज नथिंग बट वन माइनस अल्फा बाय टू, सो दिस इज एन टोटल। नाउ मास कंजर्व करेंगे तो इनिशियल मोल्स वन इंटू मोलार मास कैपिटल एम, ये इनिशियल मास आ गया, इज इक्वल टू फाइनल मोल्स इंटू मोलार। तो यहाँ से स्मॉल एम क्या आ गया, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा बाय, ओके। और इसको और प्रिसाइसली हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मोलार मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ NO2 डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा बाय, जो स्मॉल m है वो मिक्सचर का मोलार मास है और जो कैपिटल m है वो इनिशियल मोलार मास। इनिशियल मोलार मास मतलब इनिशियली जो प्रेजेंट था, क्या था इनिशियल प्रेजेंट, वन मोल ऑफ NO2, ठीक है। सो NO2 प्रेजेंट था तो उसका मोलार मास, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल d और कैपिटल d का रिलेशन ऑब्वियसली वैसा ही रहेगा, तो स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल d डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा बाय, असल वो वाला केस नहीं आएगा। रिएक्टेंट जो है ना, रिएक्टेंट वो एक ही कोई सब्सटेंस दिया जाए, एक ही सब्सटेंस होगा बट उसके एक से ज्यादा मोल्स जो है रिएक्ट करके एक मोल बना रहे होंगे, ऐसा होगा। हमें कॉन्सेप्ट है ये, हमें ये प्रोसीजर यूज करना है, फॉर्मूला थोड़ी याद रखना है, तब कॉन्सेप्ट कब क्या आ जाए, कब क्या आ जाए वो डिपेंड करेगा ना, ठीक है। जैसे हमने ये प्रोसीजर यूज करें, यही प्रोसीजर यूज करें, रोहन लास्ट में डी की इक्वेशन कैसे है, जैसा मैंने पहले ही बताया स्मॉल एम और कैपिटल एम की जैसे इक्वेशन होती है वही स्मॉल डी कैपिटल डी की होती है, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, टू से टू कैंसिल आउट हो जाता है तो ये इक्वेशन आ जाती है। नाउ फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 24 करो, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 24।
50% डायमर फॉर्मेशन मीन्स कि 50% एसोसिएट हो गया है, या अल्फा की वैल्यू 50/100 है, अल्फा की वैल्यू दी है मतलब। तो काफी लोगों का आ गया आंसर। तो देखो हमारे पास C6H5COOH है, ठीक है, एंड इसका 2 मोल्स मिलके C6H5COOH फुल ट्वाइस बना रहे हैं। तो ये जो है दिस इज डाइमर ऑफ C6H5COOH। अगर यहाँ पर 3 मिलते तो ट्राइमर होता, अगर 4 मिलते तो टेट्रामर, ठीक है, और इस टाइप से बहुत सारे अगर मिल जाते हैं तो पॉलीमर बोल देते हैं। तो डाइमर है। नाउ इसका इनिशियल हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये इनिशियल मोल इसके 1 ले लिए, एंड एट इक्विलिब्रियम अल्फा रिएक्ट कर गया। तो अगर यहाँ पर देखें अल्फा से कितना बनेगा, देखो 2 से बनता है 1, है ना, 2 से 1 तो अल्फा से, और इससे अल्फा बाई 2 N2O4 जैसा ही हो गया, अल्फा बाई 2। नाउ एन टोटल क्या आ गया, एन टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, दैट इज 1 माइनस अल्फा बाई 2। सो इनिशियल मोल्स 1 इंटू इनिशियल मोल आर मास इज इक्वल टू फाइनल मोल्स इंटू फाइनल मोल आर मास। तो हमें यहाँ पर फाइनल मोल आर मास ही निकालना है। सो इट विल बी कैपिटल एम डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो कैपिटल एम जो है वो 122 है, इनिशियल मोल आर मास इज मोल आर मास तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 160। क्लियर है?
यस सर, चलिए हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम बताया था ना, इक्वेशन लिया था, आई थिंक सी एच थ्री सी एच के बारे में बताया था कि सी एच थ्री सी ओ एच एग्जिस्ट एज डाइमर, वाई? तो उसका रीजन था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम यहाँ पर भी है, सी सिक्स एच फाइव सी एच जो है उसमें भी दो सी सिक्स एच फाइव सी एच जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और एक साथ रहते हैं। चले आगे, नेक्स्ट हेडिंग डालो के सी एंड के पी इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, केसी और केपी अल्फा के टर्म्स में क्या होगा वो देखिए। अभी तक हमने केसी और केपी जो निकालते थे वो इन टर्म्स ऑफ क्या निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह के टर्म्स में करते थे, वो भी अल्फा के टर्म्स में करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं N2O4 gives twice NO2 reaction। तो इनिशियल मोल्स जो है ए ले लिए इसके जीरो, देन एट इक्विलिब्रियम हमें अल्फा के टर्म्स में करना है, तो बताओ कितना रिएक्ट कराएं इक्विलिब्रियम पे। इनिशियल मोल्स ए लिए तो कितना रिएक्ट कराएं इक्विलिब्रियम पे अल्फा के टर्म्स। अल्फा के टर्म्स में कितना रिएक्ट होगा याद है, इनिशियल मोल्स इनटू अल्फा, कितना रिएक्ट होता है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इनटू अल्फा टाइम्स रिएक्ट होता है। सो इनिशियल मोल्स ए हैं तो उसका अल्फा टाइम्स मतलब ए अल्फा रिएक्ट होता है। ओके, सो बचेगा कितना ए माइनस ए अल्फा। अब इसका ए अल्फा रिएक्ट हुआ तो एनओ टू का कितना बनेगा, 1:2 है स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन, तो NO2 का बनेगा 2A अल्फा। ये तो मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम, हमें KC निकालना है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, इट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, एंड ये नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज KC, सो KC इज NO2 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय N2O4 कॉन्सेंट्रेशन। सब्स्टिट्यूट करके क्या आएगा, दिस इज 2A अल्फा बाय V का स्क्वायर डिवाइड बाय A माइनस A अल्फा बाय V। अब V स्क्वायर, इधर V स्क्वायर आएगा और इधर V आएगा तो एक V कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा इससे हम जब A कॉमन लेंगे तो एक ये कॉमन मतलब A स्क्वायर है तो एक A ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या देखो, तो ये बचेगा ऊपर 4
ए अल्फा स्क्वायर, एक ए ए बच गया, इसके अलावा अल्फा स्क्वायर आ गया एंड नीचे एक वी बचा हुआ है क्योंकि ये वी और ये वी स्क्वायर से एक वी बच जाएगा। इसके अलावा इससे ए ऑलरेडी कॉमन ले लिया हमने जो कैंसिल आउट हो गया था, तो ये हमारे पास के सी का एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, सो दिस वॉज के सी। नाउ के पी जो है वो भी इसी टाइप से होगा। के पी के लिए हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर, तो N2O4 gives twice NO2। के पी के लिए क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो हमें यहाँ पर इसके मिले थे a माइनस ए अल्फा मोल एट इक्विलिब्रियम और इसके थे 2a अल्फा, ये था एट इक्विलिब्रियम। नाउ मोल सॉरी पहले टोटल मोल्स देख लेते कितना है। तो टोटल मोल्स जो है वो है a माइनस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा, दैट इज नथिंग बट a प्लस ए अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास टोटल मोल्स आ गए। एक्चुअली इधर ही लिख देते हैं, इट इज ए प्लस ए एल। नाउ मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? ए माइनस ए अल्फा डिवाइड बाय टोटल मोल्स ए प्लस ए अल्फा। अब देखो ए को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बचा क्या? वन माइनस अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर टू ए अल्फा अपॉन टोटल मोल्स हो गए ए प्लस ए अल्फा, यहाँ भी ए को कॉमन लेके कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो इट इज टू अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? मोल फ्रैक्शन पता है तो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर करेंगे तो पार्शियल प्रेशर आएगा, सो इट विल बी वन माइनस अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा इन टू पी एंड इट इज टू अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा इन टू पी। व्हाट इज के पी? Kp is partial pressure of NO2 ka square divided by partial pressure of N2O4. So it will be 2 alpha upon 1 plus alpha into P ka square and then divided by 1 minus alpha upon 1 plus alpha into P. So dekho, ek P cancel out ho jayega. Iske alawa ek 1 plus alpha cancel out ho jayega. To upar bachega 4 alpha square P. एंड नीचे देखो इसका वन प्लस अल्फा जो बचा हुआ है वो इसके वन माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी वन माइनस अल्फा स्क्वायर। सो ये केपी का एक्सप्रेशन आएगा, ये केपी का एक्सप्रेशन याद रखना। ठीक है,
NO4 gives twice NO2 का KP का एक्सप्रेशन ये होता है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, याद रख। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि मतलब ऑब्वियसली इसको तुम ऐसे डिराइव कर सकते हो, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया, मान लो तुम्हें प्रेशर दे दिया, केपी दे दिया और अल्फा पूछ लिया, डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला याद है तो तुरंत कर दोगे ना, अदरवाइज ये पूरा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, NO4 gives, obviously, प्रोसीजर तो है ही अपने पास, प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा, बट क्या है कि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है। सारे रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, इस रिएक्शन के लिए वैलिड है भाई। NO4 gives twice NO2, मतलब A gives 2B टाइप की जो रिएक्शन है उसके लिए वैलिड। हो गया सबका? तो ये हमने N2O4 gives twice NO2 वाली रिएक्शन का KC एंड KP निकाला है। नाउ अभी तुम क्या करो, PCl5 gives PCl3 plus Cl, ये वाली जो रिएक्शन है इसका KC KP निकाल इन टर्म्स ऑफ अल्फा हो गए। PCl5 इज PCl3 प्लस Cl2 का KC एंड KP क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा? इनिशियल मोल्स ऑब्वियसली PCl5 के क्या ले सकते हो, A ले सकते हो। ठीक है, सो इनिशियल मोल्स A ले रही है एंड इन टर्म्स ऑफ अल्फा तुम्हें KC एंड KP का।
यस वरुण करेक्ट है। हाँ मेरे करेक्ट, आमिर थोड़ा रॉन्ग है तुम्हारा, शांत करेक्ट है। नो आमिर, श्रुति करेक्ट है। वरुण केपी करेक्ट है। आयुष रॉन्ग है। सिद्धार्थ करेक्ट है। जानवी करेक्ट है। प्रशांत करेक्ट है। आंचल, आंचल केपी जो है वो करेक्ट है, बट केसी जो रॉन्ग है थोड़ा। बादल करेक्ट है। तो मैक्सिम लोगों का करेक्ट ही आराम से। तो देखो इनिशियल मोड्स ए हैं, नाउ एट इक्विलिब्रियम। इसके ए अल्फा रिएक्ट हुए तो इसके कितने बनेंगे, ए अल्फा, इसके ए अल्फा, ठीक है, मोल्स आ गए। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो व्हाट इज केसी, तो केसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, केसी इज PCl3 कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय PCl5 कॉन्सेंट्रेशन। सो इट विल बी ए अल्फा अपॉन वी इंटू ए अल्फा अपॉन वी डिवाइड बाय ए माइनस ए अल्फा अपॉन वी। तो वी से वी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा ए इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी इंटू वन माइनस। तो ये केसी आ गया इस रिएक्शन के लिए।
क्लियर सबने? नाउ केपी क्या होगा? तो पीसीएल 5 गिव्स पीसीएल 3 प्लस सीएल 2. सो ये था ए माइनस ए अल्फा, ये था ए अल्फा एंड ये भी था ए अल्फा. टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं एट इक्विलिब्रियम? ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम था. एंड टोटल क्या हो गया? इट इज ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा. सो ये आ गया ए प्लस ए अल्फा. तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सो ए माइनस ए अल्फा अपॉन ए प्लस ए अल्फा. ऑब्वियसली ए कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा. सिमिलरली यहाँ पर ए अल्फा अपॉन ए प्लस ए अल्फा, यहाँ पर भी ए कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा. सिमिलरली यहाँ पर ए अल्फा अपॉन ए प्लस ए अल्फा एंड ए कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज अल्फा अपॉन 1 प्लस. ठीक है, सो ये मोल फ्रैक्शन आ गया. नाउ पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. इधर भी टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे एंड इधर भी टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई, पार्शियल प्रेशर आ गया जब टोटल प्रेशर से हमने मल्टीप्लाई किया. व्हाट इज केपी? केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसीएल 3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सीएल 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसीएल. So this is alpha upon 1 plus alpha into P, alpha upon 1 plus alpha into P divided by 1 minus alpha upon 1 plus alpha into P. So P cancel out ho gaya, 1 plus alpha bhi cancel out ho gaya. So ye aayega alpha square P upon 1 minus alpha square. Obviously ye expression bhi tumhe yaad hai. ठीक है, सो जनरली क्या है कि तुम्हें केसी नहीं पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, केपी पूछा जाता है. ओके, अल्फा के बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं केसी और केपी, वो केपी वाले, केसी वाले नहीं आते. इसलिए हमने केसी वाला, सॉरी केपी वाला फॉर्मूला याद रखने को ही बोला है, केसी वाला नहीं बोला. बाकी प्रोसीजर से तो ऑब्वियसली दोनों फॉर्मूले तुम निकाल ही सकते हो कि केसी और केपी क्या है. ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यार ये देखो, केसी के एक्सप्रेशन में ए आ रहा है फर्स्ट वाले रिएक्शन में भी, और सेकेंड वाले रिएक्शन जो उसमें भी केसी के एक्सप्रेशन में ए आ रहा है. लेकिन केपी जो है उसमें देखो, फर्स्ट वाली रिएक्शन में भी केपी में ए नहीं आ रहा है और सेकेंड वाली रिएक्शन में भी केपी में ए नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना, तो वो ए जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है. हो रहा ही नहीं हो रहा. इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें केपी निकालना है प्रोसीजर यूज करके अगर केपी निकालना है, तो जरूरी नहीं है ए मोल्स अज्यूम करो. वन मोल अज्यूम करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कितने भी मोल्स अज्यूम कर लो आंसर आएगा, केपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा. ओके, तो सिंपल तो ये है ना कि वन मोल अज्यूम कर लो, तो केपी जो है उसके लिए तुम वन मोल अज्यूम कर सकते हो इनिशियल वाला. बट केसी के लिए ऑब्वियसली हम देख सकते हैं ए आता है एक्सप्रेस में, तो केसी में हम वन मोल अज्यूम नहीं करते.
इसलिए मैं ये भी बोल रहा हूँ कि केसी जनरली वो निकलवाता ही नहीं, वो केपी निकलवाता है, क्योंकि हम इनिशियल मोड्स वन अज्यूम कर सकते हैं, तो इजी पड़ता है। ओके, तो केसी के लिए इनिशियल मोड्स वन अज्यूम नहीं करना है, ए मोड्स मान लो, बट केपी के लिए तुम वन मोल ले सकते हो, क्योंकि वहां पर ए जो है वो तो कैंसिल आउट होने वाला है। यस रोहन, अगर केसी में तुम वन मोल एज्यूम कर लोगे तो ऑब्वियसली आंसर डिफरेंट आएगा, वन मोल के लिए अलग आंसर होगा, टू के लिए अलग आंसर होगा, थ्री के लिए अलग होगा, है ना। सो केसी जो है वो हम देख सकते हैं कि अल्फा वाले एक्सप्रेशन जो है केसी का, उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या लिए उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यस वरुण, केपी जो है इन टर्म्स ऑफ अल्फा जो है इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पोल्स, इन टर्म्स ऑफ अल्फा वाला जो केपी है वो इनिशियल मोल्स पर डिपेंड करेगा ही नहीं, कुछ भी मोल्स ले लो सेम एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 29, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 29।
आमिर ऑब्जेक्टिव नहीं करना, सब्जेक्टिव करना, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव FBS का क्वेश्चन नंबर 29। देखो PCl5 प्लस Cl ये वाली रिएक्शन दी है, और इस रिएक्शन के लिए हमने ऑलरेडी Kp का तो मैं बताया था क्या था, अल्फा स्क्वायर पी अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब प्रेशर 180 एम है तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू 10% मतलब 0.1। तो अगर प्रेशर को हम 480 एम कर देंगे तो अल्फा क्या होगा, तो देखो क्या है, इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0.1 10% मतलब 0.1, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है, अल्फा क्या है 0.1। तो अगर अल्फा 0.1 के इक्वल है या छोटा है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बहुत मतलब ये अल्फा स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को 1 भी ले सकता, ठीक है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को क्या ले सकता, ऑलमोस्ट 1 ले सकता ऑलमोस्ट, ठीक है। तो Kp जो है वो ऐसे केस में क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर इंटू पी हो गया। अब देखो Kp जो है वो पर्टिकुलर रिएक्शन का चेंज नहीं होता, Kp जो है वो तो क्या है कॉन्स्टेंट है, वो थोड़ी चेंज होगा, तो मतलब Kp अपना इतना ही रहेगा। तो अल्फा 1 स्क्वायर पी 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर पी 2, ये लगा दो। तो अल्फा 1 स्क्वायर मतलब 0.1 स्क्वायर इंटू प्रेशर कितना था भाई, प्रेशर था 180 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू प्रेशर कितना है, प्रेशर है 480। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अल्फा 2 स्क्वायर या अल्फा 2 जो है वो क्या आएगा 0.1/2 That is 0.05. So alpha की value क्या हो गई 0.05 हो गई, ये हम बोल सकते हैं ये क्या है 5%। Okay? So 480 पर ये 5% dissociate होगा। ऑब्वियसली पूरा सब्सिट्यूट करके भी तुम सॉल्व कर सकते थे, बट उसमें टाइम जाता, मतलब यहाँ पर तुम अल्फा क्या है इधर भी सब्सिट्यूट करते
एंड देन केपी निकाल लेते हैं, ठीक है, केपी निकाल लेते, फिर उस केपी से वापस अल्फा निकालते, फिर तुम्हें पता था, क्योंकि केपी कभी चेंज नहीं होता है, बट वो लेंथी होता, इसकी बजाय क्या है, तुमने क्या कर दिया, 1 - α² तो 1 ले लिया ऑलमोस्ट, बिकॉज जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 है, ये उसके इक्वल है, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर जो है 0.01 के अराउंड हो जाएगा, तो 1 - α² जो है वो क्या होगा, 0.99 के अराउंड, तो 0.99 तो ऑब्वियसली मैं 1 तो ले ही सकता, अराउंड सेकंड वाले केस में तो और छोटी हो जाएगी ना, 1 - α² सॉरी सेकंड वाले केस में जब हम बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर 4 है तो प्रेशर क्या हो गया, 4 atm हो गया, तो प्रेशर बढ़ने पर एक्चुअली क्या अल्फा और कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना अल्फा की वैल्यू और कम होती जाएगी, तो पहले अल्फा 0.1 था तो अभी अल्फा तो 0.1 से भी छोटा हो जाएगा, ओके, तो तब तो ये करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि अल्फा इज लेस देन 0.1 है तब ये कर सकते, अगर अल्फा 0.1 से बड़ा है तब नहीं कर, लेकिन प्रेशर बढ़ाएंगे अल्फा और कम, ओके वरुण, ठीक है आगे चले, नाउ अब देखो अगर हमें पार्ट्स लिए तो हमने क्या नंबर ऑफ बोल्ट्स वगैरह लेके सॉल्व किए हैं, जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक नंबर ऑफ बोल्ट्स, अल्फा में भी ऑब्वियसली नंबर ऑफ बोल्ट्स के हिसाब से चल रहे थे, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, हम इक्वेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें लाइक रिएक्टेंट वगैरह का पार्शियल प्रेशर वगैरह पता है, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, ए गैस गिव्स टू बी गैस प्लस मान लो सी गैस, ये एक रिएक्शन है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को मैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मुझे इसका इनिशियल पार्शियल प्रेशर मान लो दे दिया, मान लो ये दे दिया पी नॉट, ठीक है, ये इनिशियल पार्शियल प्रेशर ना कि बोल्स, ये इनिशियल पार्शियल, ठीक है, तो इसके इनिशियली कुछ मोल्स है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसका पार्शियल प्रेशर जीरो होगा इनिशियली, इसका पार्शियल प्रेशर भी जीरो होगा, नाउ एट इक्विलिब्रियम, तो जैसे हम मोल्स के केस को कर रहे थे वैसा यहां पर कर सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से हम पार्शियल प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, तो अगर हम बोल देंगे कि यार इसका ऑब्वियसली जैसे जैसे रिएक्शन होगा तो इसका मोल्स कम होगा, मोल्स कम होगा मतलब इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो मान लो इसका एक्स पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो बचा कितना, मतलब ये कितना इसका पार्शियल प्रेशर, पी नॉट माइनस, अच्छा अगर इसका एक्स कम हुआ तो इसका कितना बढ़ेगा, वही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट, तो 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है, तो एक्स से कितना आ जाएगा 2x, एंड यहाँ पर 1:1 है तो क्या आएगा पार्शियल प्रेशर सी का, तो ये हमें डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ही मिल गया, अगर हमें इनिशियल पार्शियल प्रेशर पता है और फिर पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ही हम रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली हमें क्या मिलता है, पार्शियल प्रेशर मिलता है, फिर हमें वो मोल फ्रैक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसका पार्शियल प्रेशर पी नॉट हमने एज्यूम कर लिया स्टार्टिंग कुछ था, देन इसका मान लो एक्स पार्शियल प्रेशर कम हो गया, तो अगर इसका एक्स कम होगा तो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन के हिसाब से इसका कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा और इसका एक्स आ जाएगा, ओके, जैसा हम मोल्स के केस में कर रहे थे वैसा ही होगा,
ठीक है, मोल्स मोल्स की जगह यहाँ पर जस्ट पार्शियल प्रेशर ले लिया, बाकी प्रोसीजर सेम ही रहा है। ओके तो अब देखो हमें यहाँ पर x मोल्स नहीं है भाई, यहाँ पर x पार्शियल प्रेशर है, बोला ना, इस केस में x जो है पार्शियल प्रेशर है। अगर तुम्हें x में गड़बड़ लग रही है तो मैं चलो पी लेता हूँ, ठीक है। मान लो इसका पार्शियल प्रेशर, इसका जो प्रेशर है कितना कम हुआ, पी कम हुआ। ओके सो इसका 2p, इसका p, बस x से p लिख दिया, बराबर है अभी। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज केपी, तो केपी क्या होता है, केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस टू 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2p का स्क्वायर इंटू पी डिवाइड बाय पी नॉट माइनस, ठीक है। तो ये एक तरह से केपी का एक्सप्रेशन आ गया, दैट विल बी 4p³ अपॉन पी नॉट माइनस। ओके तो इस टाइप से मतलब हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 28, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 28।
तो देखो कैसे करेंगे, फोर एच एन ओ थ्री गिव्स फोर एन ओ प्लस ट्वाइस एच टू ओ प्लस ओ टू, ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला है कि इफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज स्टार्टेड विद प्योर एच एन ओ थ्री, मतलब हमारे पास इनिशियली एच एन ओ थ्री है, वेयर पी इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड पी डैश इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू, डिराइव रिलेशनशिप फॉर के पी इन टर्म्स ऑफ पी एंड पी डैश। ओके, तो इनिशियल पार्शियल प्रेशर हमें दिया नहीं है, हम उसका एज्यूम कर लेते हैं, मान लो इसका इनिशियल पार्शियल प्रेशर पी नॉट एज्यूम किया, ठीक है, बट हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए के पी का वो पी एंड पी डैश के टर्म्स में चाहिए, तो एंड में हमें पी नॉट को निकालना, ठीक है। सो ये इनिशियल है, इनिशियल पार्शियल प्रेशर, एंड एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, सो एट इक्विलिब्रियम अब देखो इसका आ रहा है पी डैश, एट इक्विलिब्रियम इसका क्या दिया, इसका दिया पी डैश, ठीक है, तो इसका पी डैश दिया है तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, टू पी डैश होगा, अगर इसका टू पी डैश है तो इसका क्या हो जाएगा, फोर पी डैश हो जाएगा। ओके, पी डैश जो है वो किसका पार्शियल प्रेशर दिया, ओ टू का, ओ टू का पार्शियल प्रेशर पी डैश है, तो इसका टू पी डैश हो गया, इसका फोर पी डैश हो गया। अच्छा, एंड यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, फोर है, तो ये क्या होगा, दिस शुड बी पी नॉट माइनस फोर पी डैश, ठीक है, ये आ गया। अब टोटल प्रेशर हमें कितना, अभी देखो पी नॉट हमें नहीं पता है, पी नॉट की वैल्यू नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला है कि टोटल प्रेशर जो है वो पी, टोटल प्रेशर क्या है पी है, तो पी टोटल जो है वो कर देते हैं, इट इज पी नॉट माइनस फोर पी डैश प्लस फोर पी डैश प्लस टू पी डैश प्लस पी डैश, तो कितना है ये हमारे पास आ गया पी नॉट प्लस थ्री पी डैश, तो इट शुड बी क्या होना चाहिए, ये पी होना चाहिए, तो यहाँ से पी नॉट क्या आ गया, इट इज पी माइनस थ्री पी डैश। ओके, तो अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया, पी नॉट की जगह क्या लिखेंगे, पी माइनस थ्री पी डैश लिखेंगे, एंड ऑलरेडी फोर पी डैश तो ही, तो क्या हो गया पी माइनस सेवन पी डैश हो गया। ओके, एंड ऑब्वियसली बाकी तो फोर पी डैश टू पी डैश एंड पी डैश, तो ये एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आ गए, सभी के पार्शियल प्रेशर आ गए, बस अब हो गया, आगे तो कुछ नहीं करना, आगे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एन ओ रेज टू फोर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू रेज टू टू एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एच एन ओ थ्री रेज टू फोर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हर एक का पार्शियल प्रेशर तो आ जाएगा एक्सप्रेशन, क्या क्या है, फोर पी डैश रेज टू फोर टू पी डैश रेज टू टू एंड देन पी डैश डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एच एन ओ थ्री क्या है, इट इज पी माइनस सेवन पी डैश, तो इट इज पी माइनस सेवन पी डैश रेज टू फोर। ओके, क्या आ गया केपी, केपी इज फोर रेज टू फोर एंड टू रेज टू टू, या इसको हम लिख क्या लिख सकते हैं, ये ओवरऑल हो गया हमारे पास टू रेज टू एट टेन, टू रेज टू टेन हो गया एक्चुअली, सो इट इज टू रेज टू टेन एंड पी डैश रेज टू सेवन डिवाइड बाय p
माइनस सेवन पी डैश रेज टू फोर। तो ये हमारे पास केपी का एक्सप्रेशन आ गया। सर एट इक्विलिब्रियम वो पार्शियल प्रेशर कैसे आया भाई? वो तो दिया हुआ है ना रोहन, इक्विलिब्रियम पे उसने पार्शियल प्रेशर दिया है ऑलरेडी। पी डैश उन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम पे किसका प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर है O2 का। अगर O2 का पार्शियल प्रेशर पी डैश है तो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से देखो ना इसका कितना होगा, टू टाइम्स है स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन तो टू पी डैश, इसका फोर टाइम्स है तो फोर पी डैश, और इसका क्या है, इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन फोर टाइम्स है तो ये क्या होगा, इनिशियल वाले में से ऑब्वियसली वो जितना कम हुआ उतना माइनस कर दो, तो इनिशियल हमने पी नॉट माना उसमें से पी नॉट में से फोर पी डैश कम कर दो। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से हम पार्शियल प्रेशर अगर हमें दिया तो उसके टर्म्स में भी हम क्या कर सकते हैं, पूरी रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके अब आगे चलते हैं। ओके अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिद्धार्थ वाई क्यू टी इक्विलिब्रियम प्रेशर डिक्रीज, मतलब रिएक्टेंट अगर रिएक्ट हो रहा है तो उसका प्रेशर तो कम ही होगा ना यार। पहले मान लो 10 मोल थे, बाद में 3 मोल बचे, अब 4 मोल बचे, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कम हुए तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर भी कम हुआ ना उसका। मोल्स कम होते तो प्रेशर कैसे कम, यार क्या बात कर रहे हैं सिद्धार्थ। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है भाई, PV is equal to nRT, so PV is equal to nRT, तो pressure is directly proportional to number of moles है कि नहीं है बता। और इस directly proportional है, that's why हम stoichiometric coefficient के ratio को भी pressure के ratio में ले रहे हैं, क्योंकि P1 by P2 is equal to क्या हो गया, N1 by N2 हो गया ना, और n1 by n2 is nothing but stoichiometric coefficient का ratio है कि नहीं, जो stoichiometric coefficient का ratio है वही number of moles का ratio, and number of moles का ratio देखो क्या हो गया, pressure का ratio हो गया, partial pressure। partial pressure का जो ratio है वो number of moles का ratio रहेगा, and number of moles का ratio मतलब stoichiometric coefficient का ratio। रोहन वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार, रेशियो में कांस्टेंट थोड़ी आता है, रेशियो में कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है नाउ नेक्स्ट हेडिंग, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन कोशेंट कैपिटल क्यू, तो एक्चुअल में क्या है, रिएक्शन कोशेंट जो है इसका एक्सप्रेशन जो है सिमिलर टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। रिएक्शन कोशेंट का जो एक्सप्रेशन वो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जैसा होता है, बट कॉन्सेंट्रेशन
और पार्शियल प्रेशर नीड नॉट टू बी ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो क्या था अभी तक हम जो केसी और केपी का एक्सप्रेशन ले रहे थे उसमें जो कॉन्स्टेंट प्रेशर या पार्शियल प्रेशर सब्स्टिट्यूट करते थे वो इक्विलिब्रियम वाला होता था ना, लेकिन रिएक्शन कोशेंट में हम किसी भी पॉइंट का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, तो जैसा हमने बताया कि इसका जो एक्सप्रेशन है सेम वैसा ही रहेगा जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. मतलब अगर मैं यहाँ पर QC की बात करूंगा तो इट इज सी रेस टू सी इंटू डी रेस टू डी डिवाइड बाय ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी, दिस इज QC. एंड अगर मैं बात करूंगा QP की तो इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेस टू सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस टू डी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेस टू ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस टू बी. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन सेम वैसा ही है जैसा क्या था केसी एंड केपी का एक्सप्रेशन था. लेकिन डिफरेंस क्या है, केसी और केपी में ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती थी ये इक्विलिब्रियम वाली. ठीक है, एंड सिमिलरली ये जो पार्शियल प्रेशर था ये भी इक्विलिब्रियम वाला था. लेकिन यहाँ पर हम कोई भी कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ले किसी भी पॉइंट, इनिशियल वाला भी ले लो या मतलब कभी भी निकाल सकते. ओके, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है या पार्शियल प्रेशर पता है तो हम क्यूसी एंड क्यूपी निकाल सकते. ओके, लेकिन केसी में जो सब्स्टिट्यूट किया जाता था वो केसी में सब्स्टिट्यूट करते थे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला ही कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर. तो इसका यूज क्या है, अच्छा देखो पर्टिकुलर रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो कांस्टेंट होता है, नाम से ही पता चल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होता है. ठीक है, लेकिन ये जो क्यू है रिएक्शन कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू अलग अलग टाइम पर अलग अलग. ठीक है, इनिशियल पॉइंट पर एकदम टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जब तुम देखोगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो वहां पर क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो वहां पर बना ही नहीं, तो ये वाली वैल्यू जो है ये क्या हो गई, जीरो. ठीक है, तो ये जीरो हो गई तो ऑब्वियसली पूरा वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर भी के का वैल्यू रहे, के तो हम हर हमेशा रहता है हमारा. ठीक है, क्योंकि के जो है रिएक्शन बेस्ड है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती, बट क्यू की वैल्यू जो है वो चेंज होती है. तो इसकी जरूरत क्या है, तो एक्चुअल में हमें Q एंड K को आगे कंपेयर करना रहेगा एंड उसे कंपेयर करके हम बताएंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं. ठीक है, तो इफ Q लेस देन K, अगर याद रखना Q K से छोटा आ रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, क्यू कैसे क्या आ रहा है छोटा आ रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. अगर क्यू कैसे बड़ा आ रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा. अगर क्यू कैसे बड़ा आ रहा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन. और अगर Q इक्वल टू K आ गया है तो याद रखना इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये इफ Q लेस देन K देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, इफ Q इज ग्रेटर देन K देन बैकवर्ड डायरेक्शन, इफ Q इज इक्वल टू K देन इक्विलिब्रियम.
सर के लिए हमेशा फॉरवर्ड होता है, मतलब क्या बोल रहा है रोहन? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन तभी होगी जब क्यू लेस देन के होगा, क्योंकि क्यू लेस देन के है मतलब क्या है कि हमारे पास, जैसे मैंने बोला ना कि यार जब टाइम टी इक्वल टू जीरो है तो क्यू की वैल्यू क्या है? जीरो है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते थे ऐसा। इफ क्यू इज लेस देन के है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी। बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी इसका मतलब ये नहीं जस्ट फॉरवर्ड हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है, बट रेट किसका ज्यादा है? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है। ओके, क्यू लेस देन के है तो रिएक्शन वहां पर, मतलब हर पॉइंट पर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो दोनों डायरेक्शन में ही हो रही है। बट नेट इफेक्ट क्या है? तो नेट ये है कि क्यू लेस देन के है तो नेट क्या है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। मतलब ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है एंड रिएक्टेंट कम हो रहा है। ओके, अगर क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम है, मतलब ऐसे केस में हमारे पास दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है बट प्रोडक्ट के मोल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं और रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन के इक्वल टू क्यू है अगर, तो फिर ना तो प्रोडक्ट के कम हो रहे हैं ना ही रिएक्टेंट के कम हो रहे हैं, मतलब कॉन्स्टेंट बन गए। ओके, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है बट नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? कॉन्स्टेंट हो। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उसके बाद छोड़ देंगे। सो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो उसमें क्या है, ए मिक्सचर ऑफ H2 N2 एंड NH3 विद मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो H2 का कितना दिया मोल्स, ट्राई करोगे क्या? H2 का हमें दिया है 3 × 10⁻³। ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी है। N2 का कितना दिया है, इट इज 1 × 10⁻³। एंड NH3 का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 2 × 10⁻³। इसके अलावा N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3 जो है, इस रिएक्शन का हमें KC भी दिया है 61, ठीक है। अब ये बताना है कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड। प्रेडिक्ट वेदर एट दिस स्टेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 विल इंक्रीज और डिक्रीज। ऑब्वियसली अगर NH3 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है मतलब फॉरवर्ड, अगर डिक्रीज है मतलब बैकवर्ड, तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया होगा। क्या है भाई क्यू का वैल्यू? तो व्हाट इज क्यू? इट इज NH3 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 कॉन्सेंट्रेशन एंड H2 कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3। तो NH3 का कितना है 2 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 क्या है, इट इज 10⁻³ एंड H2 क्या है
H2H3 × 10⁻³, तो इसका हो गया क्यू। तो क्या आएगा ये, दिस इज 4/27 एंड देन 10⁻⁹ − 9 − 12, तो ये आ रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, बड़ी है कि छोटी है यार, कैसे ये वैल्यू कैसे बड़ी आई है कि छोटी आई है, ऑब्वियसली बड़ी आई है ना, ठीक है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ओके। तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड होगी, मतलब बैकवर्ड होगी मतलब क्या होगा, NH3 कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ आया क्या वरुण, NH3 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्या बात कर रहा है यार, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो NH3 कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे खत्म करेंगे, होमवर्क नोट कर लो, तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 to 43 में जो भी क्वेश्चन बच गए सब सॉल्व करना फिर से, एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 to 37, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क, ओके। सॉल्व करो, नेक्स्ट टाइम हम डाउट डिस्कस करेंगे।